अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। माय नेम इज़ सफीना यासीन एंड आई एम योर साइंस टीचर। आई होप यू हैव सीन यस्टरडे वीडियो। सो माय डियर स्टूडेंट्स, बिफोर मूविंग ऑन टूवर्ड्स द मेन लेक्चर, लेट्स क्विकली द रिकैप व्हाट डिड इन द प्रीवियस लेक्चर। सो टेल मी, व्हाट इज सोलर सिस्टम? जी, सोलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ द सन, एयर प्लैनेट्स एंड देयर मून्स एंड मैनी थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कॉमेट्स एंड एस्ट्रॉइड्स? यस, कॉमेट्स एंड एस्ट्रॉइड बोथ आर स्मॉल प्लैनेट्स। कॉमेट इज मेड अप ऑफ आइस एंड डस्ट एंड एस्ट्रॉइड इज अ रॉकी ऑब्जेक्ट। नो, नेक्स्ट मूव ऑन टूवर्ड्स SLO, स्टूडेंट लर्निंग आउटपुट्स। स्टूडेंट विल बी एबल टू लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ सेटेलाइट्स एंड एस्ट्रॉइड्स। तो आज हम लोगों ने जो पढ़ना है उसमें हम लोगों ने सेटेलाइट्स की टाइप और एस्ट्रॉइड्स के बारे में हम लोग मज़ीद जानेंगे। नाउ इट्स टाइम फॉर प्री रीडिंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर वन है, इज अ सेटेलाइट? यस, अर्थ इज अ सेटेलाइट विच ऑर्बिट्स अराउंड द सन। एंड क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट इज सेटेलाइट? अ सेटेलाइट इज एन ऑब्जेक्ट विच ऑर्बिट्स अराउंड अ बिगर ऑब्जेक्ट, लाइक अर्थ ऑर्बिट्स अराउंड द सन। नाउ स्टूडेंट्स, इट्स टाइम फॉर रीडिंग पेज नंबर 133, बेसिक फैक्ट्स। द मून इज अ नेचुरल सेटेलाइट। पहले हम लोग देखते हैं कि सेटेलाइट्स क्या हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने पहले पढ़ा है कि सेटेलाइट्स क्या हैं। ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि ऑर्बिट्स करता है बिगर ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द, जैसा कि हमारी ज़मीन जो है वो सूरज के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है अपने ही ऑर्बिट में। तो स्टूडेंट्स, सेटेलाइट्स हैव टू टाइप्स, वन नेचुरल एंड सेकंड आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स। सो स्टूडेंट्स, नेचुरल सेटेलाइट्स ऐसे सेटेलाइट्स होते हैं जो कि कुदरती तौर पर मौजूद हों। फॉर एग्जांपल, मून सन इज अ नेचुरल सेटेलाइट्स। एंड आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स जो कि हम लोग हैं, मैन मेड होते हैं। ऐसे सेटेलाइट्स जो मैन मेड होते हैं उनको क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स। जैसा कि वेदर या क्लाइमेट को मॉनिटर करने के लिए भेजे जाते हैं स्पेस में। सेकंड पॉइंट है, द मून एंड द अर्थ आर अट्रैक्टेड बाय ग्रेविटी। कि जो मून, चांद और ज़मीन है वो अट्रैक्ट होती हैं एक ग्रेविटी के थ्रू। अब ये ग्रेविटी क्या है? सो स्टूडेंट, ग्रेविटी जो है वो इनविजिबल फोर्स है दैट पुल्स ऑब्जेक्ट टूवर्ड ईच अदर। कि एक ऐसी ताकत है जो कि नज़र तो नहीं आती लेकिन पुल करती है चीज़ों को एक दूसरे की तरफ। दैट इज़ व्हाट कीप्स द मून इन इट्स ऑर्बिट। इस वजह से चांद जो है अपने ऑर्बिट्स में क्या करता है? मूव करता है, उसको अपने ऑर्बिट्स में ही रखती है ये ग्रेविटी। थर्ड पॉइंट है, आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स हैव फोर मेन यूजेस। जो आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स हैं उनके चार मेन इस्तेमाल हैं, वो हैं कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन, मॉनिटरिंग द वेदर एंड क्लाइमेट, ऑब्जर्विंग द अर्थ एंड एक्सप्लोरिंग द सोलर सिस्टम एंड आउटर स्पेस। कम्युनिकेशन क्या है? कोई भी मुवासलात, सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन। एंड नेविगेशन क्या है स्टूडेंट्स? नेविगेशन होती है डायरेक्शन डायरेक्ट करने वाले, मतलब किसी चीज़ की सिमत बताने के लिए शिप्स
और एयरक्राफ्ट वगैरह जो है इसको यूज़ करते हैं नेविगेशन. मोनिटरिंग द वेदर एंड क्लाइमेट के मोनिटर करना बताना मौसम और आबोहवा की सूरत हाल. ऑब्जर्विंग द अर्थ ज़मीन को ऑब्जर्व करना एंड एक्सप्लोरिंग द सोलर सिस्टम एक्सप्लोर करना फैलना कि सोलर सिस्टम का जो फैलाव है उसके बारे में बात करना. एंड आउटर स्पेस बिरोनी क्ला आउटर स्पेस उसको कहते हैं द रीजन बियॉन्ड द अर्थ. फोर्थ पॉइंट है एस्ट्रॉइड्स और माइनर प्लैनेट्स. एस्ट्रॉइड को हम लोग और क्या कह सकते हैं माइनर प्लैनेट्स. आर अ लार्ज नंबर ऑफ रॉक्स ये बहुत ज़्यादा मकदार में बहुत नंबर्स में और रॉक्स होते हैं जो कि ऑर्बिटिंग करते हैं मदार में गर्दिश करते हैं द सन सन के इर्द गिर्द इन अ बेल्ट बिटवीन द ऑर्बिट्स. कि एस्ट्रॉइड जो होते हैं वो सूरज के इर्द गिर्द एक मदार में ही गर्दिश करते हैं जैसा कि मार्स जुपिटर सैटर्न ये सूरज के इर्द गिर्द एक बेल्ट में रिवॉल्व करते हैं अपने ही रास्ते में एक ऑर्बिट्स में. नो स्टूडेंट्स वी लर्न क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन नंबर टू है लाइट ट्रेवल्स एट 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड. लाइट फ्रॉम द सन टेक जस्ट ओवर 8 मिनट्स टू रीच अस. यहाँ तक वो कह रहे हैं कि लाइट जो है वो ट्रेवल कर. नाउ स्टूडेंट्स इट्स टाइम फॉर लर्न क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन नंबर टू है लाइट ट्रेवल्स एट 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड. लाइट फ्रॉम द सन टेक्स जस्ट ओवर 8 मिनट्स टू रीच अस. रफली हाउ फार अवे इज द सन फ्रॉम द अर्थ. अब इतने से क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं कि जो लाइट है वो ट्रेवल करती है 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड में. ये लाइट की स्पीड है. अब लाइट फ्रॉम द सन टेक्स जस्ट ओवर 8 मिनट्स टू रीच अस. तो सूरज से हम तक पहुंचने में 8 मिनट लाइट लेती है. तो तकरीबन रफली तकरीबन कितना फासला है सूरज से ज़मीन का. नेक्स्ट हाउ लॉन्ग डज इट टेक रिफ्लेक्टेड लाइन फ्रॉम द मून टू रीच अस. तो चांद को कितना टाइम लगेगा चांद की जो रोशनी है उसको हम तक पहुंचने में. स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में दो चीज़ों के बारे में पूछा गया है. एक तो ये कि सूरज और ज़मीन का आपस में कितना फासला है और दूसरा ये कि कितने टाइम में चांद से जो रोशनी है वो हम तक पहुंचेगी. सो स्टूडेंट्स आंसर पे चलते हैं. द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज़ रफली 300,000 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 60 किलोमीटर और ये आ जाएगा इक्वल टू 144 मिलियन किलोमीटर. अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे आया है. सो स्टूडेंट किसी भी चीज़ का डिस्टेंस निकालना हो तो टाइम को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग स्पीड से. तो यहाँ टाइम कितना था 8 मिनट्स और स्पीड कितनी है 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड. जैसा कि स्पीड जो है वो सेकंड्स में है इसलिए हम लोगों ने मिनट्स को भी किस में कर लिया 60 सेकंड में. एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 उसकी जगह पर 60 लिख लिया और ओवरऑल इक्वल आ गया ये 144 मिलियन किलोमीटर के. आगे उन्होंने पूछा था कि चांद से जो हम तक रोशनी पहुंचेगी उसे कितना टाइम लगेगा. सो स्टूडेंट्स जो एवरेज डिस्टेंस है ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ चांद का ज़मीन से वो है 384,400 किलोमीटर. चांद और ज़मीन के दरमियान जो फासला है वो उन्होंने बता दिया है. अब हमने क्या मालूम करना है टाइम. तो स्टूडेंट्स किसी भी चीज़ का टाइम निकालना हो तो हम लोग डिस्टेंस को डिवाइड कर देते हैं स्पीड से. So, therefore, reflected light from the moon would take approximately 384,400 divided by 300,000 seconds to reach us is equal to 1.28 seconds. तो कितना टाइम लगेगा 1.28
सेकंड, साथ में सेकंड मेंशन ज़रूर करना है क्योंकि हम लोगों ने टाइम निकाला है जो कि सेकंड्स में निकाला है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ एन अदर नेम फॉर द नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ अ प्लैनेट, कि कुदरती तौर पर जो सैटेलाइट है वो उस किसी और कौन सा उसका नाम बताएं। तो स्टूडेंट्स जो नेचुरल सैटेलाइट है हम लोग जानते हैं मून जो है वो क्या है, नेचुरल सैटेलाइट। सो एन अदर नेम फॉर द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अ प्लैनेट इज अ मून। अब होमवर्क की तरफ बढ़ते हैं आगे। आप लोगों ने पेज नंबर 133 बेसिक फैक्ट्स लर्न करने हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 लर्न भी करने हैं और होमवर्क भी करना है। होप सो कि आप लोग करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।